आप कहना चाहते हैं कि अगर हम उपाध्यक्ष बन गए तो भ्रष्टाचार को मुफ्त करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कैमरा रिकॉर्डेड हो रहा है? बिल्कुल करेंगे। ये साक्ष्य के रूप में हम रख सकते हैं ना? बिल्कुल रखिए। बिहार में जो चुनाव होता है, आपको पता होगा कि जाति समीकरण पर चुनाव होता है, आपकी जाति समीकरण क्या है? गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी बॉयज कैडेट हॉलमार्क ज्वेलरी का एकमात्र शोरूम मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स आपको दे रहा है धमाकेदार सुनहरा अवसर। बीटिया के शादी में गहनों की खरीद पर मजदूरी चार्ज मात्र 7%। पता है दर्दा बाजार पूसा रोड मुजफ्फरपुर। गांव गांव घर घर चुनावी रंग, जनता ढूंढे विकास किसके संग। नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का बिहारी न्यूज 24 में। और आपको पता है बिहार में नगर निकाय चुनाव की शंखनाद जोर शोर से बज चुकी है। ऐसे में अभी हम मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के सकरा नगर पंचायत में है और यहाँ पर जो है नगर निगम चुनाव को लेकर हम एक प्रत्याशी के पास आए हुए हैं, उपाध्यक्ष के प्रत्याशी है, डब्बू सिंह है हमारे साथ। इनसे बातचीत होगी किस मुद्दा को लेकर ये राजनीति रणनीति में आए हैं, क्या कुछ मुद्दा होगी, क्या कुछ एजेंडा होगी, आखिर क्यों ये राजनीति में आना चाह रहे हैं, इनसे ज़्यादा कुछ बातचीत होगी और सवाल जवाब होगी। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपका भी कुछ क्वेश्चन होगा जो हम इनसे सवाल जवाब करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देने की प्रयास करें। तो देखिए हमारे साथ है डब्बू सिंह, इनसे ज़्यादा कुछ जानकारी लेते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम डब्बू सिंह, रणवीर कुमार सिंह डब्बू सिंह है। मैं सकरावा नगर पंचायत से उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ और कोशिश करूंगा कि अच्छे से यहाँ विकास हो और भ्रष्टाचार मुक्त सकरा को बनाया जाए, यही मेरा मतलब एजेंडा रहेगा। बाबू जी, इससे पहले आप क्या करते थे और राजनीति में कैसे आ गए आप? सर, राजनीति में आने से है कि कभी कभी ऐसा हुआ कि यहाँ से हम समाज सेवा में भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लोगों का मदद करते हैं। आप जो भी समझिए, समाज सेवा समझिए, लोगों का मदद समझिए, करने की कोशिश करते हैं। नहीं, कभी कभी अफसोस होता है, जिस काम को होना चाहिए उस काम को कर नहीं पाते हैं, उतना सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसके कारण सोचना ये पड़ा कि चलो मैं भी उस लेवल पे होता तो इस काम को कर पाता, इसलिए आज मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया है। डब्बू जी, आप एक युवा है और एक युवा प्रत्याशी है और जो युवा आपको वोट देंगे उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, उनके लिए कुछ है मुद्दा आपके पास? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मुझे वोट दीजिए, ठीक है। अगर मुझे अच्छे प्रत्याशी के रूप में आप लोग देख रहे हैं, जो मेरे से आप रखते हैं कि ये आगे चल के करेंगे, हम उस हर वादे पर आपके खड़े उतरेंगे और हर आपका हर काम सुविधा अनुसार आपके होगा। सकरा नगर पंचायत में जो लोग वोट देकर आपको जिताएंगे, आपको क्या लग रहा है सकरा नगर पंचायत में क्या कुछ कमी है और आप राजनीति में आए हैं, कमी के बारे में सबसे पहले बात कीजिए। देखिए, जनता का ये स्थिति है कि जो भी काम बिल्कुल सुलभ स्तर से हो जाना चाहिए था या मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसके लिए पैरवी की जरूरत पड़ती है, पहुंच की जरूरत पड़ती है और थोड़े बहुत पैसे की भी जरूरत पड़ती है, जैसा बात होता है, जिसके कारण जो है ना बहुत तकलीफ़ में है जनता। और ये होना चाहिए था कि डायरेक्ट जनता को कोई भी पदाधिकारी हो, ठीक है, या कोई भी नेता हो, उससे डायरेक्ट संवाद होना चाहिए और उसका काम बिल्कुल सुचारू रूप से होना चाहिए, बिना पैसे के लेन देन के और बिल्कुल सुलभता से होना चाहिए। डब्बू जी, ये बताइए कि बिहार में जो चुनाव होता है, आपको पता होगा कि जाति समीकरण पर चुनाव होता है, आपकी जाति समीकरण क्या है? देखिए, यहाँ पे सकरा के में एक नया इतिहास लिखा जाएगा और आप 12 तारीख के बाद हमसे मिलिए, पता चलेगा यहाँ कोई जाति का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ सर्वसम्मति से लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और मुझे बड़ा खुशी मिलता है कि लोग मुझे, हर जाति हर वर्ग के लोग मुझे बुलाते हैं, मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। आज मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे भी लगता था कि यहाँ कुछ जाति का मुद्दा उठेगा, लेकिन मेरे प्रति मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई जाति और कोई जाति विशेष का मुद्दा मेरे प्रति कुछ नहीं है। यानी आप कहना चाहते हैं कि इस बार जो है यहाँ पर कोई जाति समीकरण नहीं होगी, सभी लोग आपको वोट, ये सारा जाति समीकरण इस बार आपको फेल मिलेगा। अच्छा, और देखिएगा, ठीक है, कई प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, उनका दावा है कि हम जीतेंगे, जरूर होगा, मेरा भी दावा है और लोगों का भी दावा होगा, जनता बैठी है देखने के लिए कौन प्रत्याशी सबसे अच्छा है।
जो अच्छा जिसको जिसको लोग मानेंगे उसे जिताएंगे। अच्छा डब्बू जी ये बताइए कि अभी जो आप जनता के पास जाते होंगे, कई प्रत्याशी जाते हैं तो कई सारे वादे करते हैं, आप क्या वादे करते हैं? मेरा कोई वादा नहीं होता है जनता से। क्या कहते हैं वोट जो मांगते हैं तो क्या करते? मैं सिर्फ बोलता हूँ मुझे देखिए, अगर मैं अच्छा प्रत्याशी हूँ मुझे वोट दीजिए, बस इतना ही, बस इतना ही। अगर आप जीत जाते हैं, यहाँ पर पहली चरण पर चुनाव होगी 10 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को जो इसकी मतगणना होगी, यदि आप 12 अक्टूबर को जीत जाते हैं तो उसके बाद जनता से मिलने जाएंगे या फिर आपका एटीट्यूड रहेगा कि चलो भाई हम जीत गए अपना काम खत्म? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत छोटे लेवल से शुरू किया हूँ, एक ऐसा समय था जो मेरे पास साइकिल भी नहीं था और जनता मुझे इसलिए बहुत प्रेम दे रही है कि मैं जिस समय मेरे पास साइकिल भी नहीं था और जिस लेवल पर मैं हूँ मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, इसलिए जनता को ये बात का विश्वास है कि आगे भी ये ऐसा ही रहेगा। अगर आप जीत जाते हैं तो जनता के लिए सबसे पहला कार्य क्या होगा आपके सकरा नगर पंचायत में, जो आपको लग रहा होगा कि ये कार्य जो सबसे पहले होना चाहिए, विकास सबसे पहले होना चाहिए? देखिए यहाँ जल जमाव का बहुत समस्या है, यहाँ जितना भी आपको जगह मिलेगा वहाँ पर जल जमाव का बहुत समस्या है। अभी बरसात का टाइम में आप भी निकलिएगा तो देखिएगा जगह जगह पर रोड पर पानी लगा हुआ है, आदमी पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले उस समस्या को दूर किया जाएगा। अच्छे नाला भी बना हुआ है तो उसका कोई मतलब ढंग से नहीं बना हुआ है, कहीं कचरा है, कहीं कुछ भी है, कहीं नाला को जाए क्लोज कर दिया गया है, उसको मतलब सुचारू रूप से एक ढांचे में नहीं बनाया गया है जिससे पानी वहीं का वहीं जमा हो जाता है या उसमें लोग कचरा डाल देते हैं, उसमें कहीं ढका हुआ नहीं मिलेगा आपको। आप जब सकरा में घूमिएगा तो ये चीज़ आपको मिलेगा। और अधिकतर जगह पर नाला का निर्माण नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है लोगों को। सबसे पहले काम यहाँ पर ये करना होगा और दूसरा काम यह है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना ही पड़ेगा और इसका शुरुआत कहीं ना कहीं नीचे लेवल से शुरू करना पड़ेगा। हमें ये करना पड़ेगा कि मुझे पैसा नहीं देना है किसी भी काम के लिए। अगर हम ये सोच लेंगे मुझे पैसा नहीं देना है किसी भी काम के लिए तो किसी कर्मचारी किसी अफसर का ये हिम्मत नहीं है जो हमसे पैसा ले ले। और मैं वादा करता हूँ मैं ऊपर बैठा रहूँगा तब तक ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। जिसको भी ये शिकायत होगा वो मेरे पास आएगा और इसका डायरेक्ट मैं निराकरण करूँगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि अगर हम उपाध्यक्ष बन गए तो भ्रष्टाचार को मुफ्त करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कैमरा रिकॉर्डेड हो रहा है? बिल्कुल करेंगे। ये साक्ष्य के रूप में हम रख सकते हैं ना? बिल्कुल रखिए, 5 साल के बाद भी मिलिएगा, मैं यहीं पर मिलूँगा अगर भगवान ने चाहा तो, ठीक है। और ये जो चीज़ है आपको वैसे ही मिलेगा। मैं प्रयास करूंगा, ये छोटे लेवल की चीज़ नहीं है लेकिन मैं प्रयास करूंगा और इस 5 साल में बहुत कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा सकरा में। ऐसे में क्या क्या बदलाव करने को आप दिखाइए? देखिए बदलाव तो बहुत नीचे स्तर से यहाँ से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ जिसमें प्रॉब्लम नहीं है और सबसे ज़्यादा यहाँ आम जनता परेशान है हर चीज़ से। जल नल योजना देख लीजिए, बहुत सारा परेशानी है, ठीक है। तो मिलते हैं जनता से। जनता से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आखिरी सवाल? बस यही है कि जिताइए और देखिए फिर आगे जो भी है। आज जैसे बेटा बन के मैं पहले खड़ा था आज भी खड़ा हूँ और कल भी मिलूँगा, जैसे मेरा पहले एटीट्यूड था आज भी और कल भी रहेगा। बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा डब्बू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए ये डब्बू जी थे और हम आपको बता दें कि पहली चरण में जो है सकरा प्रखंड में यहाँ पर चुनाव होने वाली है 10 अक्टूबर को, नगर निकाय की चुनाव है। वहीं 12 अक्टूबर को जो है इसकी मतगणना शुरू होगी और रिजल्ट घोषित हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कई लोग जो है कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में लात पैर भाज चुके हैं लेकिन किसकी किस्मत जगेगी वो 12 अक्टूबर ही बताएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपने के आशिया को दे एक नई पहचान सिंपोलो सेरामिक्स एम के मार्बल एंड टाइल्स के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिंपोलो। यहां आपको मिलता है सिंपोलो टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल, सेनेटरी, सीपी फिटिंग, साथ ही होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है पुरानी 0 माइल चौक, सीतामढ़ी रोड। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8804084272। सिंपोलो सिरेमिक्स, देखते रह जाओगे।